पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने रविवार को भाखड़ा बांध का दौरा करके वहां जलस्तर की मौजूदा स्थिति को देखा। भाखड़ा बांध में जलस्तर की मौजूदा स्थिति को देखने से पहले मुख्यमंत्री भगवंत मान नगल भी पहुंचे, जहां उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि भाखड़ा बांध में पानी की स्थिति ठीक है, हालात पूरी तरह से नियंत्रण में है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने रविवार को भाखड़ा बांध का दौरा किया और वहां जलस्तर की मौजूदा स्थिति को देखा। इससे पहले मुख्यमंत्री भगवंत मान नंगल पहुंचे, जहां उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि भाखड़ा बांध में पानी की स्थिति ठीक है, हालात पूरे नियंत्रण में हैं। सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही अफवाहों पर उन्होंने चिंता जाहिर करते हुए कहा कि मीडिया के लोग ऐसा ना करें। भाखड़ा मैनेजमेंट ब्यास बोर्ड यानी कि भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड जिहड़ा BBMB उन्होंने अधिकारियों नाल भी मीटिंग हुई है, सारे नाल खड़े ने। साढ़े सैकटरी इरीगेशन कृष्ण कुमार जी, डिप्टी कमिश्नर रूपनगर, इस तो अलावा IG SSP सारे नाल ने। सो क्योंकि पंजाब दे विच पिछले कई दिनों तो स्थिति हड़ां की जिहड़ी है, खास तौर पर सतलुज के नाल लगते इलाके, तो उधर सरदूलगढ़ का इलाका घग्गर के नाल लगते इलाके, उन्होंने स्थिति जिहड़ी है ओदियां खबरां दिन रात तुसीं अपने कैमरे राहीं दिंदे हो। तां एक अज मीटिंग दे विच बड़ी खुशखबरी वाली गल ही मैं कहूँगा कि मैं कहना चाहुंदा तुहाडे जरिए सारे पंजाबियों नूं, सारे जिन्हें भी सतलुज दे ब्यास दे जां आले दुआले दे पिंडां दे लोक वसदे ने, कि भाखड़ा जिहड़ा डैम वो बिल्कुल कंट्रोल च है और कोई खतरे वाली गल नहीं, तो ना ही कोई इस तरह दी अफवाहां दे विच आओ, क्योंकि फेक न्यूज़ ते अफवाहां बहुत चलदियां ने। अज रात नूं खोल दिते जाणगे फ्लड गेट, भाखड़ा डैम दे खोल दिते गए हन गेट, सतलुज रातों रात कर देगा मार, 900 पिंड रातों रात उजड़ जाएंगे, आने वाली भारी तबाही। मैं तुहानूं भी थोड़ी जी बेनती करदा, इस तरह के सनसनीखेज टाइटल ना दिओ, बिल्कुल कंट्रोल दे विच है भाखड़ा डैम। मेरे को फिगर पे ने कि 1680 का लैवल जिहड़ा वो जा सकता मैक्सीमम 1653 23 जुलाई तक 10 बजे तक का। सो हजे साढ़े को 26-27 फुट हैगा मार्जिन। और एक होर चंगी खबर यह है कि आने वाले 4-5 दिन तक पहाड़ों पर जा इधर पंजाब दे विच कोई बारिश की जा कोई भारी मीह की संभावना नहीं है। तो यह मतलब यह है कि जे इनटेक नहीं आऊगी तो जिहड़ा भाखड़ा डैम है जिहड़ा उहदे तो कुछ भी एक तुपका भी बद नहीं छड्डिया जाऊगा। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भाखड़ा बांध नियंत्रण में कहा है कि घबराने की जरूरत नहीं है। उन्होंने पत्रकारों से कहा कि सनसनीखेज खबरें ना चलाएं, अच्छी खबर ये है कि भारी बारिश की संभावना नहीं है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि 2 दिन में 9 फीट पानी पहुंचा हो, नुकसान हो रहा हो। उन्होंने कहा कि पंजाब में बाढ़ की वजह से 1,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ है, सड़कें घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं, हम केंद्र सरकार को बताएंगे। जिन्ना 1 महीने च मीह पैना चाहिए, जुलाई के महीने, उन्होंने 2 दिन च पै गया, मतलब कदे भी नहीं होया। मैंने सैक्टर साहब ने दसिया, मैंने BBMB के अधिकारियों ने दसिया, कदे भी नहीं होया कि 9 फुट पानी 2 दिन च आ जाए, कुदरत है। पर कोई गल नहीं, ये डैम जिहड़े ने इन्हां करके जिहड़ा साडा बचाव भी होया, क्योंकि बहुत 2.5 लाख के लगभग तो 2.5 लाख क्यूसिक के लगभग तो कला ना जिहड़ा भाखड़ा डैम है उन्हें रोकया हुआ। सो सतलुज के बिच पानी जा रहा है अगे हरीके पत्तन, हरीके पत्तन तो अगे जिधर पानी का बहाव है नेचुरल है पाकिस्तान तक चले जाए। नुकसान का जायजा चल रहा है क्योंकि हजे फ्लड जारी ने, हजे पानी लोगों के घर चुना खेतों चु निकले। सो पहले ही असी कोई एवं अंदाजा ला के गल दस दिए, पर हाँ इन्ना कह के 1,000 करोड़ तो उपर, क्योंकि नुकसान सरकार वालों सिर्फ 208 करोड़ रुपया जारी होया। तुसीं समझदे हो कि पंजाब नाल दिक्कत नहीं कर रहे केंद्र सरकार? असीं लिख के देवांगे फसलां दा, असीं लिख के देवांगे पशुआं दा, ठीक है।
असी लिख के देवे सड़कों का, असी लिख के देवे घर का, जो घर ढह गए सारा कुछ असी वेरवे बना के पूरा प्रोपरली असी होमवर्क करके असी केंद्र नूं लिख के देवे कि आह पंजाब का नुकसान होया, सानूं इन्ने पैसे चाहिए और पारदर्शी तरीके वो पैसे बने। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि सतलुज नदी को चैनलाइज करने के मामले में हम नदी और नहरों को चैनलाइज करेंगे। हमने नहर का पानी खेतों तक पहुंचाया है। सभी अधिकारियों को कहा गया है कि वे लोगों के बीच रहे, दफ्तरों में ना बैठे। उन्होंने कहा कि मैंने हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और बीबीएमबी से पानी को नियंत्रित करने के लिए बात कही है, न कि बांध के गेट खोलने के लिए कहा। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि अगले साल अगर ऐसे हालात नहीं बने तो हम हिमाचल प्रदेश से अपना हिस्सा रोककर उन्हें अपना हिस्सा लेने को कहा है।